आम आदमी पार्टी के सूबा ज्वाइंट सकत्र हलका इंचार्ज प्रिंसीपल प्रेम कुमार फिलौर ने साथियों समेत सतलुज दरिया के शौले बुजाड़ नेड़े धूसी बंध का दौरा किया। इस मौके उन्होंने नाल प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार फिलौर बलजिंदर सिंह एस डी ओ ड्रेनेज फिलौर आशीष कुमार भी हाजिर सन। प्रिंसीपल प्रेम कुमार फिलौर ने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए कहा कि फिलहाल सतलुज दरिया का पानी का बहा 7000 क्यूसिक फुट है, जिस तो अजे कोई भी किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, पर सरकार वालों ड्रेनेज विभाग को हर वेले सुचेत रहने के हुक्म दिते हैं। जेकर किसी वेले पानी का पद्धर खतरे के निशान वाल बढ़ता है तो संबंधित विभाग दरिया के नाजुक बन्ना की लगातार निगरानी कर रहा है और ढुकवें प्रबंध किए हुए हैं। जिथे कित भी ठोकर होर मजबूत की जा रही उन्होंने दरिया के नाल लगते खेतों के मालक किसानों भी अपील की है भी वह भी समय समय बन्ना की निगरानी करते रहन ता कि किसी वेले भी समस्या आने बन्ना होर मजबूत किया जा सके। किसान आगू कुलदीप फिलौर भी साथियों समेत हाजिर सन। उन्होंने दिया दरपेश समस्यावान बारे प्रिंसीपल प्रेम कुमार फिलौर और प्रशासनिक अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस मौके रोशन लाल रोची गुराया राहुल पुंज जरनैल सिंह मोतीपुर वरिंदर सिंह सैनी दविंदर चाहल परमिंदर सिंह हरदीप सिंह बलराज सिंह हरदीप सिंह मंड ज्ञान कृपाल सिंह रघु अरोड़ा आदि वड्डी गिणती में हाजिर सन। फिलौर तो कैमरामैन बंटी कलेर के नाल अमरजीत सिंह मोनू की खास रिपोर्ट। बन गई जी और दो पुलियां आ जिहड़ियां आम जिमीदारां दे खूह नूं जांदियां, एक बन्न दी पुली आ जी, एक जिमीदारां दे खूहां नूं जांदी आ। दो ही पुलियां उह बिलकुल डेड होईआं नाल दीआं, उह ले वी आ वी उह जरूरी आ बणनी। पिछले वारी भी अभी जब आए सके तीन चार कहते लावे स्टड पर कोई नहीं लगा, गल कुछ नहीं बनिया। यानी ये देखो जी प्रेम जी तुसी खड़े वधिया गल है, वधिया काम करने चंगी गल आ। अज असी छोले बाजार जिहड़ा है सतलुज दा तुसी बन आ उस पॉइंट ते एकत्रित होए आ। इन्हां पिंडां दे जिहड़े हैगे आ सारे पंचायतां नंबरदार साहबान साढ़े यूथ साहबान जिहड़े हैगे आ सारे एकत्रित होए आ। सिर्फ इन्हां ने दो तीन दिन तो मैनूं जिहड़ा हैगा एक चिंता का विशा दस्सिया सी कि पानी जिहड़ी हैगी आ उह इधर नूं घटदा आ रिहा हैगा, पानी का फ्लो इधर नूं तेज़ हो रहा हैगा। तो फिर अज असी जिहड़ी समुची टीम आ साढ़े एस डी ओ साहब तहसीलदार साहब और इन्हां दे नाल समुचा जिहड़ा अमला जिहड़ा है वह इत्थे आए हाँ और आ के जिहड़ा हैगा देखिया हैगा। एस डी ओ साहब ने दसिया कि 7000 क्यूसिक पानी जिहड़ा हैगा इस वेले दरिया के चल रहा है, कोई इहदा हजे ज़्यादा मतलब जिहड़ा हैगा खतरा नहीं, परंतु असी फिर भी आने वाले समय क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है आने वाले समय च पिछों पानी का फ्लो जिहड़ा हैगा वह ज़्यादा भी हो सकता। तो अज असी जिहड़े दो पॉइंट हैगे एस डी ओ साहब ने देखे तो उस पॉइंट से भी असी जिहड़ी अलोक लावांगे उत्थे प्रबंध करांगे तां कि पानी की जिहड़ी हैगी आ डायवर्शन जिहड़ी हैगी आ पाली साइड हो सके। हो सकता तो असी पिछे भी एक जिहड़ा पॉइंट जिहड़ा हैगा ट्रेस किया उन्होंने भी जिहड़ा हैगा असी पत्थरां राही जिहड़ा हैगा डायवर्ट करांगे। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਟੋਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਫੋਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮਿਓਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬੰਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 300 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 30 ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਏ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੋ ਕੁ ਸਟੱਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਕੁ ਸਟੱਡ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
क्या त्वचा की समस्या, बाल का गरना या गठिया के दर्द से परेशान है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी समस्या का एक ही समाधान ना भी पंचकर्मा ऑयल ना भी में तेल, जो देता है आपको सभी समस्याओं से समाधान। ना भी में तेल लगाने से लंबी उम्र तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप भी नाभि में नाभि पंचकर्मा तेल लगाते हैं तो आपको कई प्रकार के फायदे होंगे, जैसे जोड़ों में होने वाले दर्द को करे दूर, पाचन शक्ति में सुधार होता है, बालों को बनाए रखे घना, शुगर, बीपी, दिल संबंधी रोग, यूरिक एसिड, थायराइड, लिवर संबंधी रोग, कमजोरी, गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, चमड़ी की किसी भी किस्म की एलर्जी, बवासीर, आँख संबंधी रोग, गुप्त रोग, बालों का झड़ना, कब्ज, नींद न आना, घबराहट, बेचैनी आदि रोगों को दूर करने में नाभि पंचकर्मा तेल लाभकारी है। और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। नाभि पंचकर्मा नाभि ऑयल है आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित। एक से दो बूंद नाभि में डालें और सभी बीमारियों से बचे। नाभि पंचकर्मा ऑयल। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।